ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आगे बढ़ते हैं। देहरादून नगर निगम में प्राइवेट कंपनी के शहर को कूड़ा उठाने के लिए अनुबंधित किया गया है, जिससे कंपनी की गाड़ियां राजधानी दून के हर क्षेत्र पर कूड़ा उठाने के लिए लगातार जा रही हैं। लेकिन कंपनी से संचालित गाड़ियों में ज्यादातर बिना परिवहन रजिस्ट्रेशन के और बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां चलाई जा रही हैं। एआरटीओ अरविंद पांडे ने मामले का संज्ञान लेते हुए परिवहन निगम से एक पत्र जारी करते हुए आदेश दिया है, जल्द ही गाड़ियों का पंजीकरण कराया जाएगा और उनके विरुद्ध एमवी एक्ट के अंतर्गत चालान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये मामला उनके संज्ञान में आया, जिसके बाद 50 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। तरह का मामला संज्ञान में आया था तो मैं स्वयं नगर आयुक्त से मिला था और उन्होंने भी पहल करी थी कि उनकी सारी गाड़ियां रजिस्टर्ड करा दी जाए, जिसमें जो भी नगर निगम की गाड़ियां थी उसमें 40-50 गाड़ियां हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करा दी गई हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि कोई कंपनी है जो उनके यहाँ हायर्ड है और उनकी कुछ गाड़ियाँ अभी विदाउट नंबर प्लेट या बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही, तो उस मैटर को दिखवाया भी जाएगा और यहाँ से हम आज चिट्ठी भी जारी कर रहे हैं। इस तरह की अगर कोई भी गाड़ी है तत्काल सड़क पे तभी वो चलाएं जब उनका पंजीयन करा लें और उस पर नंबर प्लेट लगा लें, अन्यथा की दशा में अभियान चलाकर इन गाड़ियों को सीज़।